तो ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ, झूठ के पुलिंदा पर ये सरकार कब तक ऐसी गाड़ी आपने जरूर खरीद ली, तो क्या गाड़ियों का खरीद कमीशन के लिए हुआ? आर के साथ एक पहले नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ का उसमें कुछ अलग अलग बातें देखने को मिलती थी। पीछे शांत कराओ, ये पीछे शांत। और जब से ये महागठबंधन बना है, महागठबंधन की सरकार बनी है, तो ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ। इस सरकार ने कहा एक स्वास्थ्य संबंधित समस्या को लेकर के कि डेंगू को लेकर के हमने एक गाड़ी खरीदी है, जो हर एक वार्ड में हमने गाड़ी दे दी है और अब डेंगू का छिड़काव बहुत तेजी से होगा। मैं ही पटना में रहता हूँ और माननीय जितने आप लोग प्रेस से संबंधित जो लोग आप ही, हमें पूरा भरोसा है कि आप ही पटना के अंदर रहेंगे, लेकिन माननीय मंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद हमने एक दिन भी किसी भी वार्ड में न हमारे पार्टी के कोई पदाधिकारी देखे, न कार्यकर्ता देखे, क्या आप देखे हैं क्या कि हुआ छिड़काव? डेंगू का प्रकोप शहर में इतना बढ़ा है और झूठ के पुलिंदा पर ये सरकार कब तक ऐसी रहेगी और हमेशा झूठ बोलने का काम करेगी? आखिर जब अस्पतालों के अंदर जगह नहीं मिल रही है लोगों को, अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया जाता है, अधीक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है कि डेंगू वार्ड पता नहीं था उनको, तो चलिए सस्पेंशन पे मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि सस्पेंशन करना उप मुख्यमंत्री जी के हो सकता है बाएं हाथ का खेल, लेकिन बिहार की जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के क्या वो किसका जरूरत है? और सरकार जो चुनी हुई जो सरकार है, एक महागठबंधन की सरकार, क्या इसका कोई कार्य नहीं है? आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आपने बहुत सारी घोषणाएं की और गाड़ी आपने जरूर खरीद ली, तो क्या गाड़ियों का खरीद कमीशन के लिए हुआ? अस्पताल का निर्माण कमीशन के लिए हो रहा है? डॉक्टर अगर नहीं बढ़ रहे हैं, डॉक्टर अगर नहीं आ रहे हैं, तो कौन देखेगा? और डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तो सीधा सीधा उसका सस्पेंशन करने से क्या समाधान हो जाएगा? क्यों नहीं अपनी नीतियों को बदला जा रहा है, अपनी नीतियों पर विचार किया जा रहा है कि आखिर क्यों हमारे यहाँ बिहार सरकार के यहाँ डॉक्टर की कमी हो रही है? नए नए अस्पताल बने जा रहे हैं, हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है और हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है और हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले लोग, करने वाले लोग कौन होंगे? पटना के अस्पतालों में जगह नहीं होने की वजह से इस डेंगू से लोग मरे भी हैं, इसकी जिम्मेवारी कौन ले? क्या माननीय मुख्यमंत्री को नहीं लेनी चाहिए इसकी जिम्मेवारी? निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री को इसे संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर क्या कार्रवाई करें, वार्ड के अंदर कैसे डेंगू ये जो छिड़काव जो मच्छरों के लिए का प्रकोप जो बढ़ा है उस पर छिड़काव कैसे क्यों नहीं हो रहा है और कैसे हो, इसको निश्चित करना चाहिए कि हमारे बिहार में हर वार्ड में इसका छिड़काव